तो दो चीजें सीखी हमने, एक तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस और एक क्या सीखा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे बेस थ्योरम में। बेस थ्योरम एक्चुअली है क्या, रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है, मतलब कॉजेस फाइंड आउट करने हैं हमें, कोई इवेंट अकर हुआ तो वो किस कारण हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास कोई पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है E1, E2, E3 और अप टू EN। ठीक है, ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास ये है किसी भी इवेंट की। अब मान लीजिए A अकर हो चुका है, इवेंट A अकर हो चुका है। ठीक है, तो वो किस कारण अकर हुआ है, वो कौन से इवेंट EI के कारण अकर हुआ है, वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो, सपोज आपके पास तीन बैग्स हैं, एक में रेड बॉल है, एक में नहीं बॉल, बैग तीन है, 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें भी रेड और ब्लैक बॉल है, इसमें रेड और वाइट बॉल है, और इसमें रेड ब्लैक और वाइट तीनों बॉल है, तीनों कलर की बॉल है। ठीक है, सपोज आपके पास आ गई रेड बॉल, इवेंट अकर हो चुका, आपने इनमें से कोई रेंडमली तीनों में हाथ देके और एक बॉल निकाल ली और वो आपके हाथ में आई रेड बॉल। ठीक है, अब वो रेड बॉल जो है वो फर्स्ट बैग में से आई है, सेकंड में से आई है या थर्ड में से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हम क्या करते थे, हम चूज करेंगे बैग, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि बैग कैसे चूज करें, फिर उसमें से रेड ब्लैक या ब्लू आएगी वो देखेंगे। बट यहां क्या है, अपोजिट चलेंगे हम, हमारे हाथ में रेड बॉल आ चुकी है, इवेंट अकर हो चुका है, तो वो फर्स्ट बैग में से आई है, सेकंड में से या थर्ड में से, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये कि इवेंट ए अकर हो चुका है, अब EI मतलब कौन से इवेंट में से, E1, E2 या EN, इसमें से कौन से में से आया है ये A, जो भी अकर हुआ है वो। ठीक है, इक्वल्स टू ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EI हैज अकर्ड डिवाइडेड बाय समेशन I या फिर J ले लेता हूँ यहाँ, 1 to n, एक दूसरा वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EJ हैज अकर्ड, ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। ठीक है, यहां तक कैसे पहुंचे हम, सपोज हम यूं ले लेते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। क्या फाइंड आउट करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके हमने लिख दिया ऐसे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जो है EI इंटरसेक्शन A, ये किससे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास P A इंटरसेक्शन B है तो आप क्या लिख सकते हो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड। ठीक है, तो उसको यूज करके हमने लिख दिया ये। ठीक है, दिस इज बेस थ्योरम।